मैं किससे प्रयास करूंगा ये अलग मुद्दा है। शुरुआत हो गई है और शुरुआत कहाँ तक ले जाती है ये समय बताएगा। सर कहीं ये जो घर वापसी आप करवा रहे हैं, ऐसा तो कहीं कहीं जहाँ से नागौत में जो आपके रहगांव में जो आपको जीत मिली है, इससे कहीं ना कहीं आपको बड़ा बल मिला? देखिए, रहगांव में जीत का श्रेय वहां की जनता का है और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरे पार्टियों में थे, उन्होंने समर्थन भी किया, अंदरूनी रूप से किया और लगा कि ऐसे लोग हैं जो पार्टी में शामिल हो जाए तो और मजबूती आएगी। सर आपके घर ये अपने जो पिता ही कह रहे हैं कि इस घर वापसी अभियान में जो कांग्रेस की रीति नीति से मेल खाते हैं उनकी तो वापसी होनी चाहिए, लेकिन जो बिकाऊ लोग हैं वो नहीं आएंगे। देखिए, जो बिकाऊ थे वो तो बिक के चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है तो कोई लाभ हानि के लिए नहीं, उसके विचार मिलते होंगे, कहीं पीड़ित होगा, आने वाले समय की संभावना देखता होगा, इसलिए तो घर वापसी है। यदि कोई बिकाऊ है तो अभी क्यों बिके, जो बिकना था बिक गए, सीधी सीधी बात। बहुत परेशान है और केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा है कि गुटबाजी हो रही है और हम लोगों को मात नहीं दिया जा रहा है। अभी तो सिर्फ एक ही सांसद का पत्र उजागर हुआ है। मेरे ख्याल से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के जितने वरिष्ठ पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सभी इस मुद्दे से दुखी हैं, क्योंकि जिन्होंने 20-25 साल दरी बिछाई हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज उनकी कोई कदर नहीं है और जो बिकाऊ माल गया है उन्हीं भर की कदर है, तो स्वाभाविक उनको कष्ट होगा। सर, प्रदेश में एक बार शराब के आंदोलन करने जा रही है, अब ये उनका उनकी तारीख बदलती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सस्ती हो रही महंगी हो रही है तो शिवराज सिंह जी आने उनका नियम कानून कायदा जाने। सर योगी ने 60 प्रचार नहीं बनाया, मध्य प्रदेश से किसी को नहीं बनाया गया, मध्य प्रदेश से कोई 60 प्रचार बीजेपी। अब ये तो कांग्रेस हाईकमांड तय करता है किसकी उपयोगिता कहां पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेता जमीनी स्तर पर लगाए गए हैं, हमारे अंचल से काफी लोग हैं, जो विधायक लोग भी हैं जो लगे हुए हैं, आलोक चतुर्वेदी जी हैं, नीलांशु चतुर्वेदी हैं, सभी लोग लगे हैं। स्टार प्रचारक के लिए क्या मापदंड तय किया होगा ये मुझे जानकारी नहीं। सर वीडियो वायरल हो रहा है, घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रहे हैं, सर कांग्रेस ही है कर रही है, आपको लगता है सर कि ये दोनों अभियान 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ी मजबूत स्थिति में लेकर आ जाएंगे? सर देखिए, जितना संपर्क करोगे आप उतने लाभ होगा। हमने घर वापसी जोड़ा जन जागरण अभियान से, घर चलो अभियान में भी घर वापसी यदि मुद्दा बना लिया जाए पीसीसी की तरफ से तो स्वाभाविक है उसका लाभ मिलेगा। यदि आप संपर्क कर ही रहे हैं और ऐसे लोग मिल जाएं जो कहीं घर बैठे हो, भूल गए हो रास्ता, उनको यदि कांग्रेस की सदस्यता दे दी जाए तो और मजबूती आएगी। सर लेकिन जो नशा मुक्ति अभियान है उसका बजट तो कम होता जा रहा है, फिर 10 करोड़ था, फिर 8 हुआ, फिर 8 लाख बचा। देखिए, सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी गई कुछ सालों पहले, एक विभाग बनाया गया था, हैप्पीनेस विभाग, आनंद विभाग, उस मंत्रालय का क्या हुआ, उसका बजट क्या हुआ। शिवराज सिंह जी में एक बहुत बड़ी कला है, एक कोई नई चीज छोड़ देते हैं, 5-6 महीने उसी में चर्चा होती रहती है और लोग बात भूल जाते हैं पहले क्या हुआ, यही हालत यह है। धन्यवाद सर।
कमलनाथ जी कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी से कि मैं तो चार दिन पहले आपसे मिला था, आपने हमको बताया नहीं कि हम ये धरना या प्रदर्शन करने वाले हैं, तो वही दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय क्या आपसे मांगूं क्या मैं, यानी इस तरह से उसको ट्वीट भी किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो क्या ये जिस तरह की वीडियो वायरल हो रहा है सर, तो क्या कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान सर? देखिए दोनों भाइयों के जो संबंध है उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, कौन क्या कर रहा है न मुझे जानकारी है न मैंने ये वीडियो देखा है। बीजेपी के लिए क्या अगले दो साल में बिजली पानी सड़क सब में लोगों को अच्छे दिनों का एहसास होगा, क्योंकि सड़कों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर कर दिए, कोल को दिया जा रहा है, मेंटेनेंस के लिए पैसा दे दिया, हर घर पानी पहुंचाया जा रहा है। 2018 के पहले भी सब सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। आज जनता ये जो मौलिक अधिकार है उनका विकास का उसके तरफ नहीं देखती है, उसकी डिलीवरी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, हमारे सुनने के लिए कोई है, आज किसी ऑफिस में चले जाइए एक गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं। बहुत परेशान है और केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा है कि गुटबाजी हो रही है और हम लोगों को मात नहीं दिया जा रहा है। अभी तो सिर्फ एक ही सांसद का पत्र उजागर हुआ है, मेरे ख्याल से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के जितने वरिष्ठ पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सभी इस मुद्दे से दुखी हैं, क्योंकि जिन्होंने 20-25 साल दरी बिछाई हो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज उनकी कोई कदर नहीं है, और जो बिकाऊ माल गया है उन्हीं भर की कदर है, तो स्वाभाविक उनको कष्ट होगा ही।